गाय भारत की जीवनदायिनी है। गाय को पालने से जैविक खेती होती है। आज के समय की आवश्यकता भी है कि गाय को पाला जाए, जिससे मिलने वाले गोबर से मिलावट युक्त खेती न करके जैविक खेती होगी, पर गाय को पालने किसी को बाध्य न किया जाए, यह कहना है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का। वही कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश में घटते सोयाबीन के रकबे पर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ सालों से सोयाबीन का रकबा घट रहा है, जिसकी एक वजह यह भी है कि हमारे किसान भाई वही बीज का उपयोग कर रहे हैं जो कि पुराने हो गए हैं। यही वजह है कि बीजों में बीमारी लग रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि हम कृषि वैज्ञानिकों से मिलकर इस समस्या का समाधान करने में जुटे हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि अभी तक करीब 20% रकबा प्रदेश में सोयाबीन का कम हुआ है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने प्रदेश को नए सोयाबीन के बीज भी दिए हैं। इधर मध्य प्रदेश में किसान नेता राकेश टिकैत के कार्यक्रम पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि राकेश टिकैत का मध्य प्रदेश में वजूद नहीं है। राकेश टिकैत के पिता असली किसान थे, पर राकेश बिचौलिया के हमदर्द हैं, साथ ही में इसलिए उनके कार्यक्रम में प्रदेश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर मंत्री कमल पटेल जीत के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हमें ही जीत मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस से जनता का मोह भंग हो गया है, जहां पर कांग्रेस ने जनता और किसानों को ठगने का काम किया है। नहीं नहीं, मक्का का रकबा कम नहीं हो रहा, मक्का का रकबा बढ़ रहा है। रकबा कम हो रहा है सोयाबीन का, और सोयाबीन का इसलिए कम हो रहा है कि लगातार 30 साल से सोयाबीन वही बीज बोते आ रहे हैं, और उसके कारण उसमें बीमारी लग रही है। लगातार 4-5 सालों से फसल खराब हो रही है, और इसलिए इस बार 19-20% रकबा सोयाबीन का कम हुआ है, और उसमें मक्का, अरहर, उड़द और मूंग ये फसलें दूसरी जो बढ़ रही है। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि वैज्ञानिकों से कि हमको सोयाबीन का विकल्प ढूंढना चाहिए, अच्छा बीज, नया बीज और परिवर्तन। किसानों से भी आह्वान करते हैं कि वही अपन जो बोते हैं उसी में फिर लगातार बोते हैं, तो उसमें फसल में जो बीज में बीमारी लगती है, फसल नुकसान होता है, तो बीज परिवर्तन करें। और सरकार भी प्रयास कर रही है कि हम नया बीज दें, और इस बार भारत सरकार ने सोयाबीन का नया बीज दिया है। महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। देखिए, जिनका ध्येय ही भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का विरोध करना है, उनको किसानों से जो आंदोलनकारी, उनको कोई लेना देना नहीं। उनको तो मोदी जी का विरोध करना, भाजपा का विरोध करना है, और आढ़तियों के और उद्योगपतियों के और बिचौलियों के साथ में काम करना है, तो वो उनके हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ किसान नहीं है। अय्या, देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भारत को आज़ाद हुए 74 साल हुए, गाँव की प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं थी। पहले प्रधानमंत्री हैं देश के मोदी जी, जिन्होंने गाँव को आर्थिक रूप से आज़ादी दिलाई है। सिर्फ आज़ाद हुआ था भारत 15 अगस्त 1947 को, लेकिन शहरी क्षेत्र की प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, लेकिन गांव की नहीं थी। अब गांव का स्वामित्व योजना के तहत सर्वे कराकर हम मालिकाना हक दे रहे हैं, और देश का पहला जिला मेरा हरदा जिला हो गया जो 100% सर्वे होकर हम उनको मालिकाना हक दे रहे हैं, और उससे गाँव में अब उनकी प्रॉपर्टी की कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू हो गई। उससे उनको वो लोन मिल सकता है, जमानत हो सकती है, लिमिट मिल सकती है। अभी तक किसान सिर्फ खेती कर सकता था, खाद, बीज, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन, लेकिन अगर वो कोई प्रोसेसिंग करना चाहे, फैक्ट्री लगाना चाहे, उद्योग लगाना चाहे, और अपनी प्रॉपर्टी को गारंटी में रखते, तो भले 10 करोड़ की नहीं, 100 करोड़ की भी प्रॉपर्टी हो तो 1 लाख का भी ऋण नहीं मिलता था। लेकिन अब ये स्वामित्व योजना आने के बाद मकान बनाने के लिए, दुकान के लिए, व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए ऋण भी मिलेगा, सब्सिडी भी मिलेगी और लिमिट भी मिलेगी। इससे गाँव के विकास के द्वार खुलेंगे और गांव आत्मनिर्भर होगा, बेरोजगारी दूर होगी, पलायन रुकेगा, और शहर और गांव का भेद खत्म होगा। और सही मायने में गांव को आज़ादी प्रधानमंत्री जी ने दिलाई है, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। राकेश टिकैत कहीं भी जाए, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सरकार के साथ है, क्योंकि हमने किसानों के हित में काम किए हैं। राकेश टिकैत जी से ही मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके पिताजी किसानों के लिए पूरा जीवन लड़े, लेकिन ये किसानों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये आढ़तियों के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में आढ़त प्रथा है, उस आढ़त प्रथा को ख़त्म करने का काम नई कृषि नीति में आया, और इसलिए बिचौलिए जो कमाते थे अब वो सीधे किसान कमाएंगे, और इसलिए वहाँ के जो आढ़ती हैं वो मिलकर किसानों को भड़का कर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश का किसान
भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ है। हमने मध्य प्रदेश में जो काम किया है, प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया 2022 तक किसान की आय दोगुना करेंगे, हमने मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में करके 21वें दिखा दिया है। मैं आपसे ही पूछता हूँ, चना सरसों मसूर गेहूं के पहले आता है लेकिन खरीदा बाद में जाता था मई में, तब तक हमारा 75-76% किसान 5 एकड़ से नीचे है, वो बेचारा रख नहीं सकता इतने दिन तक, 3 महीने तक, और इसलिए मंडी में जाता था तो भाव कम हो जाते थे। हमने इस बार 15 मार्च से खरीदना शुरू किया, 13 कुंटल सरसों 15 कुंटल चना खरीदते थे, हमने 20-20 कुंटल प्रति हेक्टर किया, एक दिन में 25 कुंटल की सीमा थी वो हमने हटाई, उसके कारण किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर रेट मिला। सरसों का रेट 4650 था, 6 से 7 हज़ार बिकी, चने का और मसूर का रेट 5100 था, 5600 से 6000 बिका, और इस प्रकार 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा राशि किसानों को दिलाने में, हम लाभ दिलाने में सफल हुए, जो मुट्ठी भर व्यापारी उद्योगपतियों के पास जाता था। यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, और इसलिए किसानों का विश्वास हमारे साथ है। मूंग की खरीदी अभी हम गर्मी में भी कर रहे हैं 7196, और अगर हम मूंग की खरीदी मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं करते तो ये 3000 से 4000 बिकता, और फिर व्यापारी 2-3 महीने के बाद फिर रेट इसका 7-8 हज़ार हो जाता, तो व्यापारी कमाते थे लेकिन हम किसानों को दे रहे हैं। गाय हमारी, हम गाय को माता मानते हैं, जिस प्रकार हमारी धरती माता है भारत माता, फिर हमारी जन्म देने वाली माता, और उसके बाद जब जन्म हो जाता है हमारा तो पहले तो हम माँ का दूध पीते हैं फिर गाय का दूध पीते हैं, और इसलिए गाय भारत की जीवनदायिनी है हम सबकी, और गाय से खेती, गोवंश से खेती होती थी जिससे शुद्ध अन्न मिलता था, जिससे हमारा स्वस्थ जीवन रहता था, लेकिन जैसे जैसे हम हरित क्रांति की ओर आए और पेस्टिसाइड का उपयोग किया तो हमारी मिट्टी भी जहरीली हो रही है और हम अन्न भी जहरीला करने कर रहे हैं। आप देखिए सब्जियों में कितनी पेस्टिसाइड का उपयोग हो रहा है, और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्राथमिकता में जैविक खेती को लिया है। गोवंश से ही खेती होगी, गोवंश पालने से दूध भी मिलेगा और हमारे बच्चों को शुद्ध दूध और शुद्ध भोजन, शुद्ध सब्जियां, अनाज मिलेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी शुद्ध रहेगा। और इस कोरोना की जो विश्वव्यापी संकट है, महामारी थी, इसमें पूरा विश्व का ध्यान, पूरी मानव समाज का ध्यान अब शुद्ध अन्न और सब्जियों के ऊपर गया है, यानी जैविक प्राकृतिक खेती और जैविक खेती, और उसकी डिमांड भी बढ़ी है। तो इसमें भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है ये कि हम जैविक खेती की ओर आकर, जैविक प्रमाणीकरण कराकर पूरे विश्व को, विश्व में डिमांड है तो हमारे जैविक उत्पाद की बढ़ोतरी होगी और हम निर्यात भी कर सकेंगे और हमारे देश के 130 करोड़ लोगों को भी हम शुद्ध अनाज दे सकेंगे ताकि वो स्वस्थ रहेंगे। और नहीं तो आपने देखा कि पंजाब में पेस्टिसाइड का उपयोग करके अनाज को बहुत उत्पादन कर लिया, लेकिन वहाँ पर कैंसर ट्रेन चलती है, जिले से बीमारियाँ भी हो रही है, और इसलिए आज के समय की आवश्यकता है कि हम गऊ को पालें और गौवंश के माध्यम से खेती करें, लागत भी कम आएगी, उत्पादन भी अच्छा होगा अगर लगातार 3 साल तक हम उसको ये भी कर लेते हैं, प्रमाणीकरण मिलने के बाद हम निर्यात भी करेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, विदेशी पूंजी भी मिलेगी, देश आत्मनिर्भर भी होगा और स्वस्थ भी रहेंगे। और देखिए जीवन का पहला सुख निरोगी काया, तो मनुष्य को अभी तो स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है, और इसलिए लेकिन हम किसी पर ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते, हम आह्वान कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, हम खुद पाले, वातावरण बनाए तो ऑटोमेटिक होगा। लेकिन वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।